you're a bundle of opposites. Hindi sahitya, this is a complete shift and opposite. तो इसमें आपकी रुचि कैसे हुई? मेरी माँ हिंदी की शिक्षिका थी. अच्छा. तो शायद हिंदी के प्रति जो लगाव रहा हो वो वहाँ से आया. दादाजी बहुत अच्छे तबला वादक थे, बांसुरी बजाते थे. जो कॉम्बिनेशन है संगीत और साहित्य का जी, वो फिर वहाँ से आया. सातवीं कक्षा में मैंने यूं ही कहीं पे लिखना शुरू किया था. सुनता हूँ रातों को जब मैं अपने घड़ी की आवाज़, सोचता हूँ क्यों है आज ये इतना उदास, क्या ले रहा ये भी किसी से पाके बेवफाई, अपनी ज़िंदगी के चंद आखिरी सांस. किताबों का ये जो सिलसिला था, ये जो संग्रह था, ये किस तरह से आपने लिखा? आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आप पर आपसे ज़्यादा यकीन रखते हों. वो जो एक बेल होती है जिसके चारों तरफ आप एक सहारा लगाते हैं और जिसके थ्रू वो फिर आगे बढ़ती है. आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, उनको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, नयापन वही है. फाइंडिंग 25th आर, ये आपको वही सिखाती है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सही तरीके से प्रायोरिटाइज करना सीख लिया जी, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो 25वां घंटा भी ला सकती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता.